मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव है, जिला छिंदवाड़ा चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए, दोनों हाथ ऐसा हिला दो दीदी। हाँ जी, अरे बाकी के लोग थोड़ी ना हिलाओ, पक्के छिंदवाड़ा के हो है? बताओ। हाँ जी जी, एक बार हाथ हिला दो तो। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव, मेरे पति का नाम आकाश श्रीवास्तव, जिला छिंदवाड़ा चंदन गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, 20 जून 2023 से मुझे एक छाला हो गया था, चने की आकृति का था, जिसका इलाज मैंने बहुत कराया, डॉक्टरों के जांच करवाने के लिए भी भेजने की तैयारी, और डॉक्टरों ने कह भी दिया कि ये साधारण छाला नहीं है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सब कुछ किया, पर वो छाला जाता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ये छाला अलग है, इसकी जांच मुंबई जाएगी और वहां से इसकी जांच होकर आएगी। बहुत सी चीजें डॉक्टरों ने कह दी, भोजन करते नहीं बनता था, पति के सामने अगर भोजन करने बैठती थी तो शरीर में मुख में इतना तकलीफ होता था गुरुदेव कि हम भोजन भी नहीं कर पाते थे। पति के सामने भोजन करना भी बंद कर दिया क्योंकि उनको हमारा चेहरा देखकर अच्छा ना लगे, तो हम पहले कुछ भी जो बन सकता था मुख से वो पा लेते थे। कई बार तो चार चार दिन तक भोजन नहीं करते थे गुरुदेव, क्योंकि मुख में वो छाला इतना तकलीफ दे रहा था। डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होना है, सारी तैयारियां हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, एक बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करो। हमने वो करना प्रारंभ करा, पर वो छाला समाप्त नहीं हुआ गुरुदेव। जब एक बार पशुपति व्रत से भी समाप्त नहीं हुआ, तब हमने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। बाबा के मंदिर में जाके जल चढ़ाती, आचमन करती, शरीर में कष्ट बढ़ा। मेरी बेटी ने कहा मां अब तू मंदिर मत जाया कर, तेरा चेहरा नहीं देखा जाता। बेटी मंदिर जाती, जल लाकर मुझे देती, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा। मेरी बेटी ने शिव जी से कहा हम भी तो तेरी असुख सुंदरी हैं बाबा, तू सुनता क्यों नहीं है। मेरी मम्मी का जो चेहरा है, उसके अंदर जो मुख में छाला है, डॉक्टर हर कुछ बोल रहे हैं तू एक बार ठीक कर दे बाबा। और जल का क्या महत्व करूं गुरुदेव, बाबा की कृपा से, बाबा का जब स्मरण किया, 2 महीने लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया। इसलिए मैं चंदन नगर से पैदल चलकर यहां बाबा के कथा पंडाल में पहुंची। ये शिव कृपा, ये शंकर की कृपा। अब ठीक है बहना, एक बार हाथ हिला दो। हर हर, बैठिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे पाले पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा और बड़ा सुंदर आया है। देखिए,